वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रुचि सोया इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो रुचि सोया स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि फ्राइडे के दिन अच्छी मूवमेंट की थी, तकरीबन 30 पॉइंट अप था, तकरीबन 3% तक रैली भी की थी रुचि सोया स्टॉक ने। तो यहाँ पे टिकर टाइप के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे हम देखने वाले रुचि सोया स्टॉक के लिए। जैसे कि देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इंट्रेंसिक वैल्यू देखा जाए तो करंट जो प्राइस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो इनसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताया गया। डिविडेंड रिटर्न की बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है और एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका बन जाएगा। नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हो कि स्टॉक एएसएम लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीज़ें भी देखे जाए तो प्रो में देख सकते हो जैसे कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। क्वालिटी चेक्स की बात की जाए तो पो परफॉर्मेंस है क्वालिटी चेक्स में और ग्रोथ स्कोर की बात की जाए तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में भी। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप है 40,697 करोड़ का और रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का है स्टॉक है। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे रुचि सोया स्टॉक के लिए।